सो गाइज़ है वेलकम बैक, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो गाइज़ अभी बज रहे हैं सुबह के 5:40, ठीक है 5:40 हो रहे हैं एंड आज ही है कॉम्पिटिशन। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था मैं रात को 2 बजे टैनिंग कर रहा था, तो ये एक कोट हो चुका है। तो एक कोट के बाद ऐसा है टैन, और आज मतलब कल रात को 11 बजे के बाद से मैंने पानी बंद कर दिया था। सो कल भी पानी मेरा 1.5 लीटर था, 2 लीटर था, आज है 0, तो नो वाटर नथिंग। बट अभी क्या करना है मुझे, 7 AM ब्रेकफास्ट करना है फर्स्ट मील, बट उसके पहले मुझे अभी जाना है मंदिर, तो मैं नहा नहीं सकता हूँ। अगर नहाऊँगा तो ये जो टैन है वो निकल जाएगा। और आप देख रहे होगे कि मैं नीचे सोया था, फ्लोर में बेड पर सोता तो वो कलर लग जाता, एंड इसलिए मैं अभी क्या करूँगा, अपना बैग पैक करूँगा और मंदिर जाके आता हूँ, देन मील बनाता हूँ, देन थोड़ा सा पोजिंग अभी करूँगा, आपसे मिलता हूँ। अभी ज़्यादा कुछ बोलने को है नहीं, बिकॉज एनर्जी है नहीं। जो मैंने सीखा है, जो मैंने इतनी टाइम से 15 हफ्ते से प्रेप किया है, फिजिक पे काम किया है, टाइम टुडे प्लेटफॉर्म पे दिखाऊँ, जब तक मैं वहाँ पे दिखाऊँगा नहीं कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। और दिस इज़ वॉट आई वॉज वेटिंग फॉर द डे, इसी का इंतज़ार था, इसी के लिए इतना दूर तक ट्रैवल किया हूँ। सो आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, तो पहले पोजिंग करते हैं एक बार, फिर जाते हैं मंदिर, फिर आऊँगा, फिर खाऊँगा, फिर पोजिंग करूँगा। आज ट्रेनिंग नहीं है, पोजिंग जितना कर सकता हूँ उतना करूँगा आज। लेट्स गो। Yeah, it's our time to shine. Show that's the kind of state of mind you gotta combine with hard work and time. You gotta climb to the top. Don't let yourself drop till your heart stops. Let this beat rock. Got a new club. So guys, mandir ho aaya. Ye raha mandir. Aur isliye main ho aaya subah because मुझे पता है अभी मैं फ़र्स्ट मील से खाऊंगा तो उसमें एग रहेगा, फिर चिकन फिश रहेगा, फिर मंदिर जा नहीं सकता हूँ, तो इसलिए मैं अभी कर लिया। और रात में मैं नहा लिया था कि मुझे पता है कि आज मैं नहा नहीं पाऊँगा क्योंकि बॉडी में टैन है। तो चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, आशीर्वाद ले लिया हूँ। बाकी कल शाम को मैं ढूँढ रहा था शिव जी का मंदिर कहाँ है नियर बाई में, एंड अभी मैं वॉक करते हुए आया इधर, रूम से कुछ 5 मिनट की दूरी पर है ये, और जैसे अंदर गया शिव जी का शिवलिंग रखा हुआ है एंड हनुमान जी का भी मूर्ति है, तो दिल खुश हो गया यार, मतलब दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। तो मैं बहुत मतलब मैं शिव जी को बहुत मानता हूँ, आप देखे भी होगे, मैं देवघर भी जाता हूँ तो वॉक करके जाता हूँ, और मेरी मम्मी भी बहुत मानती है। सो मम्मी जो गॉड को ज़्यादा मानती है मैं उनको मानता हूँ, सो आई ट्रस्ट ऑन शिव जी मोर, एंड कुछ भी होता मैं उनसे बात करता हूँ भोले। तो अब चलते हैं, डाइट करते हैं, एंड कोशिश करूँगा 1 घंटे सोने का, अगर सो जाऊँ तो बॉडी के लिए अच्छा है। बाकी क्या मील आपको रूम जाकर बताते हैं। सो गाइस, मैं भी रेडी करने वाला हूँ अपना फर्स्ट मील, वो होने वाला है 5 होल एग और 2 चीज़ का क्यूब। तो ये है 2 चीज़ का क्यूब और इसमें 5 अंडे। ऑमलेट बनाते हैं, अभी ऑमलेट बनाते हैं, इसको खाते हैं। ये मेरा पहला मील, मैं एग्जैक्ट 7 बजे खाऊंगा और बनाते हैं, भूख भी लग रहा है, उसको सोऊंगा, नींद भी आ रहा है मुझे, तो अगर सो गया तो बहुत अच्छी बात है। भाई टाइम हो चुका है 11 बजे हैं और 11 बजे मुझे वेन्यू पहुंचना था, बट तुम्हारा भाई यहाँ पर मील ले रहा है तो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में थोड़ा लेट जाऊँगा, बट कोई नहीं, पहले मील प्रायरिटी है। तो अभी मैं ले रहा हूँ बिग मसल का गोल्ड वे, ये है बेल्जियम चॉकलेट फ्लेवर, ये जो पूरा प्रेप में मुझे हेल्प किया है, तो देख लो आधा से ज़्यादा खाली भी हो चुका है। इसमें आपको हर स्कूप में 25 ग्राम प्रोटीन, 11 ग्राम EWA मिलता है, इसमें आपको इन्फॉर्म चॉइस का साइन भी मिलता है, ये इन्फॉर्म चॉइस से सर्टिफाइड है। साथ ही साथ इसमें आपको ट्रस्ट सील मिलता है, आप जब इस स्कील को स्कैन करते हो तो उसको आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चला जाएगा और उसमें आपको इसके सारे डिटेल्स मिल जाएंगे,
एंड इन्फॉर्म चॉइस का मतलब ये भी होता है कि इसके जो भी प्रोटीन कंटेंट आपको पीछे में दिख रहे हैं उतना आपको इस हर स्कूप में मिल रहा है। मतलब हर स्कूप में 25 ग्राम लिखा हुआ है तो आपको एक स्कूप में 25 ग्राम मिल रहा है। उसके साथ मैं खा रहा हूँ 200 ग्राम वाइट राइस, 150 ग्राम चिकन बॉयल है दोनों, एंड बॉयल वेजेस ये कुछ 100 ग्राम है। तो ये मेरा मील है, ये मैं मील कैरी भी करने वाला हूँ। तो फटाफट एक स्कूप ये पीते हैं और ये भी खाते हैं और चलते हैं कंपटीशन वेन्यू में और दिखाते हैं क्या होता है वहाँ पे। लेट्स गो। And a new stock for this new rock. Just let your mind loose from the new stock. Drunk off the goose. Yeah, think it. हाँ, so guys, height हो गया 168 सेंटीमीटर आया। अभी मैं यहाँ पे अपना यूरिन सैंपल दिया हूँ और अभी मुझे 3000 रुपीस देना है। ये किस लिए देना रहता है? साइन कर देना। 1000, 2000. Estimated body weight. सो गाइस, यहाँ पे हो गया मेरा ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल और मैंने 3000 रुपीस यहाँ पे किया है। और अभी क्या क्या प्रोसेस है मैं समझ लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। और ये शायद मेरा ट्रंक नंबर रहेगा, वो है 311। सो लेट्स गो। अब थोड़ा सा काफ्स लोड करते हैं एंड फिर देखते हैं। हाँ, सो गाइस, अभी सीन ये हुआ है कि मैं थोड़ा लेट पहुँचा था तो पहले तो ये बोलने लगे कि नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा ये वो। फिर भाई मैं बोला कि भाई मैं झारखंड से आया हूँ, दूर से आया हूँ, तो फिर वो लोग मान गए। एक भाई भी मिले हैं, अभी मील खाना है तो अभी टाइम है, तो मैं 100 ग्राम राइस वे करके निकालूंगा, वो खाऊंगा। और उसके साथ वे करने के लिए मैं मशीन भी लेके आया हूँ। सो ये मशीन भी है तो इससे वे करते हैं। 100 ग्राम राइस अभी खा लेता हूँ क्योंकि इसके बाद अभी कुछ खाने मिलेगा नहीं, क्योंकि कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाएगा 1 घंटे 1.5 घंटे में। और कोच ने बोला कि 2 घंटे से पहले कुछ नहीं खाने के लिए, बट मुझे भूख लग रहा है और पानी प्यास भी लग रहा है, बट पानी पी नहीं सकते तो ये खा लेते हैं एंड देन देखते हैं कैसा सीन होता है। मज़ा आने वाला है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है, एक्साइटेड हूँ। और दूसरी बात कि मैं पंप के लिए कुछ नहीं लेके आया हूँ, तो जुगाड़ करके कोई भी अगर कुछ कर रहा होगा बैंड से उससे कर लेंगे एडजस्ट। बाकी देखते हैं, भगवान है, मेहनत किए हैं, 15 हफ्ते का प्रेप है तो पूरा जी जान लगा के देना है। एंड अब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है मेरे अंदर कि आई कैन डू, आई कैन स्टैंड ऑन द स्टेज, स्टेज पे ऐसे कर सकते हैं। एक पावर लिफ्टर होकर बॉडी बिल्डिंग स्टेज पे खड़े होना थोड़ा सा मुझे और प्राउड मूवमेंट हो रहा है, और अगर इसमें कुछ भी प्लेसिंग लगती है तो मेरे लिए और प्राउड मूवमेंट होगी। बाकी गिव अप नहीं करना है, जितना होगा उतना करेंगे एंड सीख के जाएंगे कुछ भी। 100 ग्राम राइस वे कर दिया हूँ और कुछ चिकन के पीस भी, मैं जल्दी जल्दी में स्पून लाना भूल गया तो भाई एडजस्ट करना पड़ता है। सो ज़्यादा नहीं, 50 ग्राम ले रहा हूँ मैं, प्रोटीन का भी कुछ काम नहीं है, बस 50 ग्राम चिकन और 100 ग्राम चावल ये खा लेता हूँ एक मिनट। अभी सेकंड टैन हो रहा है क्योंकि अभी आधे घंटे में स्टार्ट होने वाला है, तो सेकंड कोट हो रहा है तो भैया ही कर दे रहे हैं। भैया मेरे कॉम्पिटेटर है, कॉम्पिटेटर और भाई भी हैं, बड़े भाई भी हैं, सब चीज़ है। चलो आधा घंटा लगेगा ना भैया सूखने में इसको, 30 मिनट्स। और मेन है कि भाई यहाँ बहुत गर्मी है तो मैं सोच रहा हूँ कि टैन लगा के जैसे भैया बोले आगे जाके बैठ जाना शांति से, सो दैट ये सूख जाएगा। सो गाइस, 20 मिनट्स है हमारे पास, तो अभी मैं पंप अप के लिए जा रहा हूँ, टैनिंग हो गया कंप्लीट, आप देख सकते हो दिस इज़ द कंडीशन। और अभी मैं यूज़ करने वाला हूँ बिग मसल का कार्नेज प्री वर्कआउट, ये कहलाता है वन ऑफ द बेस्ट प्री वर्कआउट इन इंडिया और इसको बोलते हैं किंग ऑफ प्री वर्कआउट भी। जैसे मुझे पंप चाहिए अभी स्टेज में, और मैं अभी 2 कैटेगरी में कम्पीट करने वाला हूँ। एक है क्लासिक फिजिक जो अभी होगा, देन थोड़ी देर बाद मेन फिजिक भी होगा, तो मुझे एनर्जी चाहिए बहुत ज़्यादा। तो मैं यूज़ करने वाला हूँ एक स्कूप इसका एंड एक स्कूप इसका, तो ये है रेडी है, ये बनाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं पम्प्ड अप कैसा होता है। बाकी गाइस, बिग मसल की वेबसाइट से आप कुछ भी खरीदते हो BM कुणाल कोड अपने भाई का यूज़ करना, और मेहनत पूरी करी है, आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मैं और बॉडी बिल्डिंग इवेंट खेलूं तो प्लीज़ मेरा कूपन कोड यूज़ करना, एंड आई नीड 30K सब्सक्राइबर भाई, इस वीडियो के एंड तक प्लीज़ 30K हो जाना चाहिए। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं पंप अप और पंप के बाद आपको दिखाते हैं कैसी होती है बॉडी फिजिक। You thoughts come up to boss. Off speakers can't even handle me. Even what I got, nobody's gonna drain my energy. And I will never stop. I'm motivated by enemies.
setting up shop so everybody remember me. And though I am not going through life regretfully, I'd rather work nonstop, what they call incessantly, than work some odd job just to live life pleasantly. Already got lost in my mind, not a fantasy, I'm getting it. With a forgotten soul, so stop, drop, and roll. You lost all control and pop off your bowl. I got what I fold, I'm not bought, I'm sold. My stock rocks, it's gold. Hey, knock, knock, behold, it's shit, talk to close. I ain't stopping though, it's hip hop, you know. Or is it rock and roll? I'm not dropping dough, no, my pockets grow. You can't stop the show, so get fucking up. So let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never you know giving up. Taking that crown from you. I ain't worried about your pain. So let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never you know I'm taking that crown from you. I ain't worried about your pain. Another thing. ले गया कुणाल तालियां बजाओ यार. थ्री वन वन एंड फाइव. Amazing guys, thank you so much. Oh, fans ka wo dikhao. Show yourself to the audience. Thoda sa front mein aake dikhana hai, front mein aake dikhao. Thank you so much guys. Guys, abhi क्लासिक फिजिक हुआ है और मुझे बस 10 से 15 मिनट का टाइम मिला है मेन फिजिक करने के लिए. और कैसा था? आया शिवम भाई भी आया हुआ है, यू नो शिवम. कैसा था भाई पोजिंग वगैरह? बढ़िया बढ़िया. मैं पहली बार देख रहा हूँ जो पावर लिफ्टर का इतना तगड़ा बॉडी है और उसको इससे भी अच्छा बने. पहला कॉम्पिटिशन था, पहला बार ये मतलब क्लासिक फिजिक डिवीजन में खेल रहा हूँ. थोड़ा नर्वस था, मतलब वो पोजिंग भूल गया था, बट फिर भी मैं स्टेज पे इतना भाई लोग आवाज़ कर रहे थे तो वो वैसा था ना कि जब पहला मीट खेलते पावर लिफ्टिंग में, सेम वाइब था वैसा. सो मज़ा आया देखने में. मज़ा आया ना. अभी और है, अभी रिजल्ट का पता नहीं है, बाकी सेकंड तो लगता है या थर्ड में, टॉप थ्री में है. तो अभी क्लासिक इज माय गेम. क्लासिक मैं अपने आप में मानता हूँ कि आई कैन बी ए क्लासिक एथलीट. तो इसमें मैं अभी से कॉन्फिडेंस होकर जा रहा हूँ और ये शॉर्ट्स पहनता हूँ. टाइम नहीं है, 10 से 15 मिनट में नीचे फिर से स्टार्ट करना है, पम्पड अप करना है. पैर में क्रैम्प आ रहा था तो अमंत भाई भी साथ में है, उन्होंने बोला कि थोड़ा सा सॉल्ट लो, तो सॉल्ट और अभी भाई ने पीनट बटर दिया वो लेता हूँ. सबसे इम्पोर्टेंट है क्रैम्प आने के बाद भी भाई का पूरा सेम एफर्ट ही दे रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है. एक एथलीट भाई वही है, पावर लिफ्टिंग हो जाए, बॉडी बिल्डिंग हो जाए, देना है तो पूरा देना है. तो इसको भी पहनते हैं और फटाफट चलते हैं. Kunal Singh, please come to the stage.
311 ही होगा, चिंता मत करो। एंड द विनर इज 311 311 कुणाल सिंह। सो गाइज, अभी मैं वेन्यू से कुछ खाया नहीं हूँ, डायरेक्ट सर के पास आया हूँ। ये मेडल है और ये भाई ने कुछ पेस्ट्री है, ये सर के लिए पेस्ट्री ले जा रहा हूँ। मुझे पता नहीं उनका अभी ऑपरेशन हुआ, वो खाएंगे या नहीं खाएंगे और उनका क्या रिएक्शन रहता है वो जाके देखते हैं। सर के पास डायरेक्ट आपको रॉ लेके चल रहे हैं। लेट्स गो, आओ। हेलो भैया, सर है? कौन सा? अच्छा ये वाला शिवा। अरे नहीं सर, अरे नहीं भैया, नहीं नहीं सर, आप पहना दो। आप पहना दो, साला दर्द हो रहा है स्टिचेस मेरा। निकाल लो बॉडी, दिखा। हाँ यही खेले थे भैया बस। मेरा यार वो दर्द हो रहा है स्टिचेस, किधर इधर उधर हर तरफ देख लीजिए, हर तरफ देख लीजिए एक एक बार बस। 5 सेकंड थोड़ा इधर। तो ये जब मिला ना तो मतलब इमोशनल हो गए। नहीं वो तो देख रहे थे लाइव, हम 6 महीने से जितना सोशल मीडिया पे हेट गाली ये सब सुन रहे थे, मतलब अपने आप को पुश करते रहे, मतलब नहीं मैं देहरादून में हूँ, घर से दूर हूँ, 6-8 महीने से कार्डियो कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ फ्लैशबैक एक ही बार में आ गया मेरे अंदर।
तो सब तो स्टार्ट है अभी तो मतलब ऐसे पावर लिफ्टिंग में कभी भी हम इमोशनल नहीं हुए जीतने के बाद भी, बट ये बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा चीज़ है इतना त्याग करने के बाद अगर होता है ना तो वो निकलेगी, यानी तो मैं कभी इमोशनल होता ही नहीं हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए मैं रोऊंगा नहीं, बट इसमें हो गया था मैं, इसलिए मैं भाग गया स्टेज से, सबके सामने नहीं रोना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाना है। नहीं ठीक है यार, अच्छे लग रहे थे बहुत वो लाइव में देखा ना। अच्छा बाकी भी आज का परफॉर्मेंस अच्छा था बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे दिख भी रहे थे, टैन थोड़ा सा और डार्क रहता और ग्लोसी रहता तो और अच्छे दिखते। ये रात में 1 बजे आया जिम से, उस समय किया और फिर वहाँ पे जाके एक दूसरे बंदा था वो मेरे झारखंड के ही थे, उन्होंने 2 बार किया उसी से ना जो लिया। हाँ जो आप दिए थे वही से किया, बढ़िया लगा, बट थैंक यू भैया, इसके बिना नहीं होता, भैया सपोर्ट करते थे, यहाँ पर आके मैं कार्डियो करता था, वो ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं भैया से मिला हूँ तो नहीं। अच्छा है यार, खुद आगे बढ़ो, दूसरे को सपोर्ट करो, दूसरे को हेल्प करो, करते जाओ ऐसे करते जाओ। मैं थोड़ा सा वो भी मतलब थोड़ा मुझे वीकनेस भी अभी थोड़ा फील हो रहा है, ना सही से खाना ना कुछ हो, अभी ये भी पता नहीं क्यों पेन हो रहा है स्टिचेस। बैठ जाओ आप। नहीं नहीं बैठने से अच्छा खड़े होकर वॉक कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, सही है, चलो करो अच्छे से, ठीक है। बेस्ट विशेस भैया। यश से भी मिला, वो भी बोला कि आऊँगा ट्रेनिंग करेंगे, वो भी आने बोला कि आने वाला नेक्स्ट वीक। थैंक यू वेरी मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, सर से बात हो गई, सर भी बहुत खुश थे, मैंने बस एक ही चीज़ पूछी लास्ट में जाते जाते कि सर आप मेरे परफॉर्मेंस से क्या थे, सर बोले बहुत बढ़िया है। उन्होंने ये भी बात बोला कि हम मेन फिजिक में और बेटर कर सकते हैं, तो भी जो भी नेक्स्ट गोल रहेगा मैं घर पहुंचूंगा, मम्मी पापा से बात करूंगा, ऑफ कोर्स मुझे इस फील्ड में आगे जाना है, आई थिंक आई हैव द पोटेंशियल, अगर मैं 6-8 महीने में ये जीत सकता हूँ ओवरऑल तो मेरे अंदर पोटेंशियल है, वो मैं करूँगा। बाकी मुझे कुछ चीज़ें क्लियर आउट करनी थी, आप अगर एक छोटे जगह से हो, आपको अगर आगे बढ़ना है, एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा, डोंट गिव अप, आपके साथ कोई भी हो, आपके साथ कोई नहीं भी है, आप बस एक चीज़ याद रखना, आपके घर वाले मम्मी पापा बहन सिर्फ वो काम आएगा, और कोई दोस्त कोई फ्रेंडशिप कोई लड़की कोई भाई नहीं काम आएगा। मैं उस चीज़ का एग्जांपल हूँ, मैंने अपने ऊपर कुछ चीज़ें देखी हैं ये चीज़, और मैंने रियलाइज़ की है कि कोई नहीं काम आता यार, लिटरली आपको मैं बता रहा हूँ, मैं देहरादून में रहता था, 2500 रुपीज़ रूम रेंट था, वॉशरूम सही नहीं था, मैं ब्रह्मास्त्र जिम में जाके नहाता था, तो रितेश जब आया था तब मुझे रूम चेंज करना पड़ा, तो मैंने वो सारे फेजेस से दूर होके 6 महीने घर से दूर रहा है, एंड अभी भी जहाँ मैं था तो वहाँ पे एसी नहीं था, कूलर नहीं था, बट भाई लोग भी वैसे वहाँ रहते थे, तो मैंने अपने आप को, मुझे नींद बहुत ज़रूरी रहती थी, मैं ज़मीन में सो के भी ट्रेनिंग करता था, सुबह 5 बजे उठ के कार्डियो करता था, शाम में जाके जिम जाता था, मैं रुका नहीं, मैं कभी जिम नहीं जा पाया, रोड पे वॉक किया, सारा चीज़ एक ही चीज़ को गोल पे था कि भाई मुझे बेटर पर्सन बनना है। आपको लाइफ में हर समय अपवर्ड्स नहीं मिलेगा, आपको डाउनफॉल में जाना पड़ेगा, मेरा एक तरफ से डाउनफॉल था, मैं अपने मॉम से 2-3 हफ्ते तक बात नहीं किया था बिकॉज सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई थी, एंड एट द एंड दिस वॉज वर्थ इट, एंड मैं अभी तक मम्मी को फ़ोन नहीं किया हूँ, तो आपके सामने ही फ़ोन करूँगा एंड बताऊँगा कि आपका बेटा जीत गया है और घर आ रहा है ट्रॉफी लेके, तो देखते रिएक्शन, लगा दिया हूँ। हेलो। हाँ माँ प्रणाम। खुश रहा, वही तो विजयी भाव का वरदान देखो बाबा दे दिए ना। जी मम्मी। मेहनत तो है ही, मेहनत नहीं करोगे तो सफलता कैसे मिलेगा। लेकिन फिर भी स्टेज पर तो लगता है ना भाई कि क्या होगा नहीं होगा। हम भी देखे तो फिर नेहा को फोन किए, तो फिर नेहा भी बोली कि हाँ मम्मी हम तो कर दिए हैं लेकिन अभी ठीक से पता नहीं, तो फिर इंस्टाग्राम में देखे तब फिर संतुष्टि हो गया हमें। अच्छा ठीक, इंस्टाग्राम पे कमेंट करना आ गया तुमको, कहा है हम कभी कभी मेन जगह पर कर देते हैं बाबू, तुम जहाँ करती हो वहाँ पर हम जीत जाते हैं। बहुत तकलीफ हुआ था ना 2-3 महीना जो भी था अभी। क्या है हम नहीं समझ रहे हैं, हम तो माँ है, हम तो वही बात है बाबू कि हम तो उस पर सब छोड़ दिए हैं, हमको उसके बारे में कुछ नहीं बोलना है, हम नहीं देख रहे हैं कि तुम कितना संघर्ष कर रहे हो, क्या माँ को दर्द ही होता है, लेकिन हम तो भगवान पर छोड़ दिए कि आप संभालिए, लेकिन यही है कि मैं भगवान बोलते है कि करो और पाओ, इतना किए तब ना मिला जी, सबसे बड़ा बात है। चलो ठीक है, आते हैं घर अब जल्दी। ठीक है ठीक है माँ, रखो प्रणाम। ओ भाई मम्मी से ज़्यादा देर बात कर लूँगा, इमोशनल हो जाऊँगा, इससे ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, और
बस एक ही रिक्वेस्ट है, 27,000 सब्सक्राइबर है मेरे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, आई वॉन्ट कि भाई कम से कम 50 तक मैं यहाँ पहुँचूँ। तो अगर मेरा मेहनत आपको थोड़ा पसंद आया होगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, क्योंकि आपके मोटिवेशन के बिना मैं नहीं कर पाऊँगा। एक ही मोटिवेशन थी मम्मी और है रहेगी हर समय, एंड एक आप लोग, और मुझे लाइफ में किसी से मतलब नहीं है। कोई है साथ तब भी मैं मेहनत करूँगा, कोई साथ नहीं है तब भी मेहनत करूँगा, और कुछ नहीं बोलूँगा। आपने मेरे ऊपर विश्वास किया, मैंने अपना रिज़ल्ट दिया, ऐसे ही विश्वास करते रहना, मैं अपना रिज़ल्ट देते रहूँगा 100%। थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, एंड प्लीज़ 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 50K का गोल है करवा देना। बाय बाय।